कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप सभी पहचाने हुए चेहरे हैं, हम सब साथ अलग अलग परिस्थितियों में लड़े हैं, हम सब में एक खासियत है, वह है लड़ने की। हमने वह भी दौर देखा है जबकि केएल शर्मा जी ने कहा कि एक बूथ पर कोई खड़ा होने वाला नहीं था और उन्होंने मुझे बुलाया, तो हम सब भी हिम्मती लोग हैं। अमेठी का एक एक कार्यकर्ता निडर है, अमेठी का एक एक कार्यकर्ता दृढ़ रखता है और हिम्मत नहीं हारता। सुनिए और क्या कुछ कहा अमेठी और रायबरेली के समर्थकों से प्रियंका गांधी वाड्रा ने। ये वो मिट्टी है इस देश की, जिसमें मेरा परिवार का खून मिला हुआ है, जिसके लिए हम आज लड़ रहे हैं, जिसके लिए आपके पूर्वजों ने जान दी है, आपके पूर्वजों ने पसीना और खून बहाया, ये वो मिट्टी है। ये इस देश की सबसे पवित्र मिट्टी है हमारे लिए, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम इस देश के जन जन के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, हम इस देश के जन जन के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं उस सब चीजों के लिए जिसके लिए हमारे पूर्वज लड़े थे। आज ये देश की परिस्थिति है, ये आपको गहराई से समझना पड़ेगा, और ये जो लड़ाई जो है आपको एकदम सीना तान के मजबूती से लड़नी पड़ेगी। महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आंदोलन किया वो इसलिए किया था ताकि जनता के अधिकार मजबूत हो। शायद वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन एक ऐसी सरकार आएगी इस देश में जो उन्हीं को देशद्रोही कह के ये कहेगी कि अगर हमें 400 सीट दे दो हम संविधान को बदलना नहीं है। वो सोच भी नहीं सकते थे शायद कि ऐसी स्थिति देश में कभी आएगी कि देश के प्रधानमंत्री जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस तरह की बातें कर रहे हैं चुनाव के समय, वो अपना अपने पद का स्तर इतना गिरा देंगे कि अपने पद की गरिमा के बारे में सोचेंगे ही नहीं, कि अपने पद की अहमियत के बारे में का आदर भी नहीं करेंगे। और शायद वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसा दिन आएगा जब हमारी जनता की को कमजोर करने की कोशिश सरकार करेगी।